हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मेरा नाम है पंकज और स्वागत है एक बार फिर से आपका घर में बगीचे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो बहुत ही आपके काम आएगी। जब हम घर पे पौधे अपने छत पे या फिर गार्डन में उगाते हैं तो हमारे पास जब स्प्रेयर नहीं होता है तो हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और छोटे एक दो पौधों में अगर कोई कीड़े लग जाते हैं या हमें कोई स्प्रे करना पड़ता है तो वो हो नहीं पाता है, क्योंकि एक दो पौधे के लिए स्प्रेयर मांग के लाना या फिर महंगा महंगा स्प्रेयर खरीद के लाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, और तब तक हमारे पौधे जो है वो ख़राब हो चुके होते हैं। दोस्तों, जब से COVID-19 शुरू हुआ है तब से हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हर किसी के घर में इस तरीके का हैंड सैनिटाइज़र का छोटा सा बॉटल या इससे बड़ा बॉटल आपको ज़रूर मिल जाएगा, तो वो आपका बहुत काम आ जाएगा। आपको बस एक बॉटल लेनी है, आपको कोई खर्चा नहीं लगना है, आपको खरीद के भी नहीं लाना है। जो किसी के पास भी खाली पड़ी हो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, हमारे गुड़हल के पौधे में ये हमारे पास वेरीगेटेड गुड़हल है, और इसमें देखिए कितने सारे एफिड का अटैक हो चुका है, कीड़े लग चुके हैं इसमें, तो ये जितनी भी कली निकलती हैं उनको ख़राब कर देते हैं और फूल अच्छे से नहीं बन पाते हैं इसमें। तो इस तरीके से देखिए, हमारे छत पे बहुत सारे पौधे रखे हुए हैं लेकिन किसी में दिक्कत नहीं आ रही है, पर ये गुड़हल का पौधा है इसमें दिक्कत हमको दिखी है। तो इसको दूर करने के लिए बहुत ही बेहतरीन जुगाड़ बनाने वाले हैं। कुछ नहीं करना है आपको, ये देखिए इस तरीके से बॉटल को इसका ढक्कन खोल लेना है, और ये देखिए हमारे पास एक इंसेक्टिसाइड रखा हुआ है। आपके पास इंसेक्टिसाइड हो तो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई टॉनिक स्प्रे करना हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास एक टॉनिक रखा हुआ है, ये स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऑर्गेनिक आप बिल्कुल चाहते हैं तो आप नीम की जो पत्तियाँ होती हैं उनको पानी में अच्छे से उबाल लीजिए, उबालने के बाद उस पानी को आप इसमें छान कर भर के स्प्रे कर सकते हैं, तो वो भी आपका बहुत अच्छा तरीका बन जाएगा। लेकिन जब ये कीड़े लग जाते हैं इस तरीके से, तब नीम की जो पत्तियां होती हैं या नीम ऑयल का स्प्रे आप करना चाहते हैं तो उससे कंट्रोल नहीं हो पाता है, क्योंकि ये आपको लगातार स्प्रे करना पड़ता है। नीम का तेल या नीम की पत्तियों का जो पानी होता है वो आप लगातार इस्तेमाल करें तो आप इसको उससे बचा सकते हैं। अब देखिए, आपको इंसेक्टिसाइड कैसे यूज करना है, कोई भी दवा है वो कैसे यूज करनी है। तो हमने ये देखिए 50 ml की हमारी ये बॉटल है, तो इस बॉटल में थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया, इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये हमने 50 ml की बॉटल में पानी भर लिया है, और अब आपको दवा कैसे लेनी है उसकी हम नाप आपको बता देते हैं, कैसे आपको इसको नापना है। तो इस दवा को नापने के लिए आपको एक खाली सिरिंज जो आता है वो आपको ज़रूरत पड़ेगी। सिरिंज में ml लिखा होता है तो बहुत आसान होता है। ये देखिए, इस टाइप का कोई भी खाली पड़ा सिरिंज हो उससे आपका बहुत अच्छा जुगाड़ बन जाएगा। तो इसमें देखिए एक दो ये सब ml लिखे हुए हैं, तो आपको लेना कितना है, ये आपका 50 ml पानी आपने भरा है तो आपको 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाना है। अब आपको क्या करना है कि एक आपको माप हम बता देते हैं कि 1 ml में 20 ड्रॉप्स होती हैं, तो आपको 2 ml के हिसाब से 2 ड्रॉप्स चाहिए होंगी 50 ml के पानी में। तो इस तरीके से आप घोल बहुत अच्छे से बना सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट, तो आपके पौधे को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो ये देखिए, हमने इसमें ज़्यादा भर लिया है लेकिन हमको इसमें केवल 2 ड्रॉप डालनी है 50 ml के पानी में। 100 ml का अगर आप पानी ले रहे हैं तो आप 4 ml डाल सकते हैं। कोई भी दवा आप इसमें इंसेक्टिसाइड ज़्यादातर यही मात्रा डाली जाती है। तो ये देखिए, हमने 2 ड्रॉप इसमें डाल दिए हैं। 2 ड्रॉप से देखिए पानी कैसा एकदम वाइट वाइट होने लगा है, और अब इसको जो बच गया है इसको हम सीधे वापस इसी में डाल देंगे और ये हमारा फिर से काम आएगा। तो ये देखिए, हमने इसको भर के अब इसको ढक्कन को अच्छे से टाइट करके बंद कर देना है। आपको हाथों में बिल्कुल इसको टच नहीं करना है, और अच्छे से ये देखिए इसका जो स्प्रे करने का जो फवारा निकलता है वो बहुत ही महीन होता है, इसके ड्रॉपलेट बहुत ही महीन होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, तो आपका बहुत अच्छे से स्प्रे हो पाता है, और 50 ml के पानी में भी आप बहुत ज़्यादा पौधों में स्प्रे कर पाएंगे। ये देखिए, आपको इस तरीके से स्प्रे कर देना है तो आपके कोई भी पौधे में दिक्कत आ रही हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो, वो आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो आपको कोई बड़े स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये बहुत ही आसान है करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप इसका स्प्रे करेंगे तो इसके 1-2 मिनट बाद भी आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाता है इंसेक्टिसाइड से। ये देखिए, सारे कीड़े हमारे मर चुके हैं और जो एफिड लगा था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।